मैं क्लब को देखिए पुलिस विरोधी चर्चा का कारण बनता है एक वायरल वीडियो। नहरों की टेल तक नहीं पहुंच रहा है पूरा पानी, किसानों ने लगाए अधिकारियों पर मिली भुट्टी की आरोप। स्वागत है आपका मैक्स लाइव का, मैं हूं सतो अंदर। इन सब के अलावा देखिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे आज डॉक्टर, दिन भर नहीं देखा ओपीडी में मरीजों को। सीएलजी बैठक के दौरान नगर पालिका राहुल सर ने किया बड़ा ऐलान, अब लगेंगे हर जगह सीसीटीवी कैमरा। राहुल सर थाना प्रभारी मोहम्मद अनवर ने की महिलाओं के हकों की बात, कहा कि आगे आबादी को दिया जाए विवाह। खत्म हुआ पुरुषवादी सोच। बन्नौर कस्बे में हजरत धमधमसा का 30 मार्च हुआ संपन्न। राव सर में स्थित बाबा खेतरपाल के ऐतिहासिक मंदिर पर लगा मेला, हर माह लगता है मेला, उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़। भारतीय किसान संघ की बैठक हुई संपन्न, सहरे किसान हितों के मुद्दे। पकड़ी गई महिला चोर, की थी कपड़े की दुकान में चोरी, वारदात हुई सीसीटीवी के कैमरे में कैद। दिल्ली पुलिस द्वारा ऑटो संचालक व उसके बेटे को बर्बरतापूर्वक सड़क पर पीटने का वीडियो जो है वो बड़ी जोर शोर से पूरे देश भर में वायरल हुआ है। आपको बता दें कि इस वीडियो से जो है देखकर सभी लोग पुलिस की आलोचना कर रहे हैं और इससे जो है काफी पुलिस के खिलाफ उनका माहौल जो है वो पैदा हो रहा है। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के मुखर्जी नगर का है, जहां पर पुलिस की गाड़ी और ऑटो की टक्कर के बाद जो है आपसी गालने में बात मिली, तो ऑटो संचालक ने जो है पुलिस की तरफ तलवार लहरा दी, तो पुलिस ने भी अपना आपा खो दिया और सड़क पर ही अपनी तुगलक की अदालत लगाकर पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि अब इस मामले में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा कानून कार्रवाई जो है उसको हाथ में लेकर इस तरह से धजिया उड़ाना जो है काफी शर्मनाक है और ऐसे में पुलिस के ऊपर काफी सवाल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जिसके चलते किसानों में खासा रोष है। आपको बता दें कि बोर्ड का 29 DWD 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 व 22 NWD के अंदर और SPKM बोर्ड का टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे किसानों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि वितरिका में जगह जगह जो है अवैध तरीके से कड़ियां लगाई गई है जो नियमानुसार सही नहीं है और ऐसा अधिकारी जो है वो राजनीतिक दबाव के चलते कर रहे हैं और इन तमाम कड़ियों के विषय में जो है अधिकारी मौन है। अवैध कड़ियां बहुत लगा रखी है नहरों में, राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारियों ने सभी मिली व्यक्ति से अवैध कड़ियां लगा रखी है, प्लस ये नहरों की सील की सफाई नहीं कराई है अधिकारियों ने। उनको हमें कई बार अवगत कराया था कि 2 महीने हो गए टेलों पर पानी नहीं पहुंच रहा, कोई अधिकारियों ने किसी प्रकार की नहीं, और हमने पिछले 4 दिन उनका भी घेराव भी किया था और सोमवार को फिर हमारे अधिकारियों से मिलने की वार्ता उनके साथ है। अब वो बोल रहे हैं कि हम कड़ियाँ हटाकर उनको वो पानी पूर्ति कर देंगे, लेकिन जो कुछ इसका मेन मकसद है वो है कि एक तो नहरों का सिलते हैं सफाई नहीं करना, बंदी के दौरान भी उन्होंने सफाई नहीं की थी और हमने बार बार इनको अवगत कराया था। हमारे अध्यक्ष बिरबिराम जी खड़ रहा है जिसने काफ़ी मेहनत करके 7 NWD के पास एक सिल जाती है, काफ़ी वहाँ पर बहुत अधिक मिट्टी आती है, वो मिट्टी हमने निकाल दी। पहले उन्होंने बोला कि इस मिट्टी का पानी नहीं आया, फिर भी हमारे पानी नहीं पहुँच रहा है। पश्चिमी बंगाल में हुए डॉक्टरों के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में जो है आज देश सभी डॉक्टर जो लामबंद हो गए और उन्होंने एक आंदोलन छेड़ रखा है। इसी आंदोलन के चलते ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर राव सर के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में ओपीडी में मरीजों को नहीं देखा। हड़ताल से मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा, मरीज दिन भर इधर उधर भटकते रहे और अंत में मरीज आह्वान करे और उन्होंने सरकार को बता भी दिया कि हम जो अभी बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ है चिकित्सकों के साथ उसके विरोध में कल सुबह 6 बजे तक चिकित्सक हड़ताल पर हैं और सभी चिकित्सक भर्ती मरीजों को देखेंगे और सभी आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं सुचारू रूप से चलाएंगे और केवल ओपीडी कार्य का बहिष्कार। राव सर पुलिस थाना में सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में वार्ड पार्षदों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ व सीएलजी सदस्य के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुझे सीसीटीवी के कैमरों के विषय में राव सर नगर पालिका की तरफ से कैमरे लगवाने की घोषणा चेयरमैन नीलम साहब ने की। चेयरमैन नीलम साहब ने घोषणा करते हुए कहा कि पुलिस सर्व निर्देशों को चिन्हित कर दें तो वापस सूची उपलब्ध करवाए जाने के बाद पालिका की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे और यह जो है राव सर में कानून की दृष्टि से जो है काफ़ी जो मदद का साबित होगी है सीसीटीवी कैमरे और काफ़ी अपराधों पर जो है अंकुश लगने की संभावना है वो जताई जा रही है। वही सीएलजी की बैठक के दौरान राव सर थाना प्रभारी
दिन प्रतिदिन बढ़ रहे महिला उत्पीड़न के मामलों पर चिंता दिखाई दे रही है। सीआई अनवर मोहन जी महिलाओं के प्रति आमतौर पर प्रचलित पुरुष प्रधान समाज की सोच को बदलकर बराबरी का जो है माहौल कायम करने की बात करती है। सीआई मोहम्मद अनवर ने कहा कि हमें पुरुष प्रधान की जो सोच है उसको छोड़कर महिलाओं यानी आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की बात करनी चाहिए और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर उनमें भी इसकी जागृति लाने के प्रयास करने चाहिए। उन्नौर कस्बे में कौमी एकता की पहचान से जानी जाने वाली दरगाह पर 30वें उर्स का समापन हुआ। उर्स में सैकड़ों जायरीनों ने कुल की रस्म में भाग लिया। वही 4 घंटे तक वाली का दौर चला जिसमें जाने माने कवाल शौकत अंदाज ने सूफियाना कलाम पेश किया। रावसर में स्थित बाबा खेतरपाल के ऐतिहासिक मंदिर पर मेला लगा। यह मेला हर माह की 14 को लगता है जिसमें हरियाणा पंजाब से दूर दराज से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। रविवार को भी लाखों श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर दौर चलाई। कपड़े की दुकान से चोरी करने वाली महिलाएं गिरफ्तार हो गई और उन्हें जहां पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल में भेज दिया। रावसर के वार्ड नंबर 15 में कपड़े की दुकान से चोरी की थी और पकड़े जाने के बाद पुलिस ने महिलाओं को जो है न्यायालय में पेश किया जहां से उनको जो है महिला जेल भेज दिया गया। पकड़ी गई महिलाएं केली उर्फ कलावती पत्नी राम बावरी व रामपति पुत्री गंगाराम लक्ष्मी पत्नी कालूराम निवासी रामपुरा पीली बंगाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि इन महिलाओं ने जो है कपड़ा खरीदने के दौरान दुकानदार की नजरें चुराकर चोरी कर ली थी और उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर इन महिलाओं की पहचान हो पाई और इनकी जो प्रतिभा को सामने आने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर एक सांसद राव सर की मासिक बैठक जो है अध्यक्ष प्रताप सिंह सुंडा के नेतृत्व में हुई। बैठक किसान भाव में हुई। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सहकारी फसली ऋण के लिए जो ऑनलाइन आवेदन में ई मित्र द्वारा दिए जमाबंदी को मान्य करने की मांग की गई। वहीं हल्का पटवारियों को पंचायत मुख्यालय में बैठने के लिए पाबंद करने की भी मांग की और इसके अलावा 10 वाली तथा निर्वाल वितरिका के टेल तक पानी नहीं पहुंचने का मामला भी जो है उठा और इसकी जो है एक्शन को ज्ञापन देकर शीघ्र समाधान कराने की मांग की। बैठक के दौरान पत्रकार संघ रावत सर की तरफ से अध्यक्ष ओम पारिक ने जो है सुझाव देते हुए यहाँ पर रह रहे प्रवासी लोगों की जो है सूचीबद्ध कर और उनके कार्यस्थलों का इसके अलावा जो जो लोग नए किराएदार आए हैं उन सबको सूचीबद्ध कर बीट स्तर पे जो है उनकी जानकारी रिकॉर्ड जो है पुलिस थाना के अंदर उपलब्धता के ऊपर जो है जोर दिया और इस पर ओम पारिक ने सुझाव देते हुए कहा कि इससे नए आने वाले लोगों के और जो पुराने रह रहे हैं बाहर के लोग उनके रिकॉर्ड जो है वो क्रमबद्ध हो जाने से किसी प्रकार की घटना होती है तो ऐसे में धरपकड़ करना जो है वो अति सरल हो जाएगा और ऐसे में पुलिस की सतर्कता है। आपको बता दें कि रावसर के अंदर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है स्ट्रीट वेंडर्स है वो बाहर से आए हुए हैं अलग अलग राज्य से आए हुए हैं वो यहाँ पर रेडियाँ लगाते हैं लेकिन अभी तक इनका जो रिकॉर्ड है वो संधारण नहीं किया गया इसके चलते कई बार बाहर से आए हुए लोग इनके पास रुककर घटनाओं पर अंजाम दे जाते हैं और उसके बाद पुलिस हाथ में खाली के खाली रह जाते हैं। तो ऐसे में यह सुझाव है जो काफ़ी पुलिस के लिए भी कारगर सिद्ध होगा और इलाकावासियों के लिए भी राहत होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लाइन में मुझे दीजिए इजाज़त फिर से आएंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।